बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत है। एंड वी वर डिस्कसिंग मटेरियल ऑफ प्राइसिंग इशूड, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। हम जो है जो मटेरियल इशू करते हैं उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, दैट वी वर डिस्कसिंग। एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। आज ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक पर, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेथड डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड को डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि माल जो है वो अलग अलग रेट्स में आप परचेज कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्डिंग होगी दैट यू हैव पेड, जो आपने पे किया है, यानी कि जिस पर आपने परचेज किया है वही आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। लेकिन जब इशू करते थे तो हम एक स्टैंडर्ड रेट से, एक ही रेट से इशू करते थे, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस इन सबसे डिफरेंट है। इन्फ्लेटेड प्राइस क्या कहता है? इन्फ्लेटेड प्राइस कहता है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें नॉर्मल वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं। सम ऑफ द मटेरियल आर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल वेस्टेज, कि कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसमें अगर आप स्टोर करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें वेस्टेज आ ही जाएगा, यानी कुछ ना कुछ माल कम हो जाएगा। कि मान लीजिए आपने किसी के 5000 यूनिट परचेज किए, हो सकता है उसका जो है 200 यूनिट श्रिंकेज हो जाएं, एवेपोरेट हो जाएं, या क्लाइमेट कंडीशन की वजह से कुछ ख़राब हो जाएं। तो हम ये मान के चलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में कि कोई ना कोई रॉ मटेरियल हमारा ऐसा होगा जिसके नॉर्मल वेस्टेज के चांसेस पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जो माल जो वेस्ट हो रहा है, जितने भी यूनिट जितनी भी क्वांटिटी वेस्ट हो रहा है, उस क्वांटिटी की रिकवरी भी जो है हम उतने ही उसी अमाउंट से हमें करनी होती है, उतनी जो वेस्ट हो रहा है उसकी रिकवरी भी आपको करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इशू प्राइस जो होता है उसको जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि आपने परचेज्ड 5000 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट, ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया ₹50,000। अब आपने दो महीने बाद, 2 months later, आपने जब इसको इंस्पेक्शन किया रॉ मटेरियल का, तो आपने देखा कि 500 जो है 500 यूनिट्स वेस्टेड, 500 यूनिट जो है ख़राब हो गए। तो अब रिमेनिंग यूनिट कितने हैं, बैलेंस कितना बचा है, 5000 आपने परचेज किए थे, 500 उसके वेस्ट हो गए, तो अब आपके पास 4500 यूनिट बचे, ठीक। यानी कि आपने 5000 यूनिट परचेज किए थे, कितने के, 50000 रुपये के, यानी कि एक यूनिट 10 रुपये का। अब आपके जो है कितने यूनिट आपके पास बचे हैं, 4500 यूनिट। तो अब इस 50,000 की जो रिकवरी है, आपने तो जब परचेज किया था तो परचेज करने में तो आपने 50,000 रुपये खर्च किए, अब इस 50,000 की रिकवरी, यानी कि 50,000 में कितने यूनिट परचेज किए थे, 5000, अब 5000 यूनिट तो है नहीं, अब आपके पास कितने यूनिट हैं, 4500। तो अब इस 50,000 की रिकवरी कितने यूनिट से करनी है हमें, 4500 यूनिट से। तो अब इशू प्राइस निकालोगे 50,000 अपॉन 4500, जो भी आएगा उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेटेड प्राइस। भाई जो 500 की जो वेस्ट हुआ है उसकी रिकवरी भी तो करनी है, ठीक है ना। तो इस ये होता है इन्फ्लेटेड प्राइस कि हमने 5000 यूनिट खरीदे 50,000 में, उसमें से 500 खराब हो गए, तो आपके पास बचे 4500। अब 4500 से ही हमें रिकवरी करनी है, तो 50,000 अपॉन 4500 जो भी रेट आएगा उसको बोलोगे आप इन्फ्लेटेड प्राइस, और उसी इन्फ्लेटेड प्राइस पे जो है आप मटेरियल को इशू करोगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसकी एक तरीके से डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि इन्फ्लेटेड प्राइस क्या होता है।
आप लिखेंगे कि दिस मेथड इज इन्फ्लेटेड प्राइस में, दिस मेथड इज अडॉप्टेड, दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड विच आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल वेस्टेज सच एज एवेपोरेशन, श्रिंकेज एंड क्लाइमेट कंडीशंस एटसेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, माल जो है कम हो सकता है, सिकुड़ के कम हो सकता है, या मौसम की वजह से भी ख़राब हो सकता है, उसमें भी वेस्टेज आ सकते हैं। ठीक है ना, ये है आपका, जब इस तरीके का रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो, स्टॉक में रखते हो, तो उसके लिए आप इन्फ्लेटेड प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट करते हो। आगे इसमें लिखना, इन सच अ केस, इन सच अ केस द प्रोडक्शन शुड बी charged at an inflated price so as to recover the normal wastage, or loss under this method, the stock is always valued at a higher price, higher price than the actual price of material. समझो इस बात को, ये कह रहे हैं कि दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड विच आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल वेस्टेज, जिस माल के एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं, जैसे चोरी हो जाए, आग लग जाए, वो तो एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, उसके लिए नहीं है, जिसमें नॉर्मली नेचर कुछ ऐसा कुछ रॉ मटेरियल का होता है जिनका नेचर जल्दी ख़राब होने का होता है, या समय के साथ साथ वो थोड़ा बहुत उसमें वेस्टेज हो सकता है, उसके प्राइसिंग के लिए हम इन्फ्लेटेड प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। आगे कह रहे हैं कि अंडर दिस मेथड, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, अंडर दिस मेथड द स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट अ हायर प्राइस, यानी कि जब उसकी इशू प्राइस निकालोगे तो इशू प्राइस जो है उसके एक्चुअल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होगी। जब हम इशू करेंगे माल को, अभी आप मैं इलस्ट्रेशन करूँगा, तब आप देखेंगे कि जो हम इशू प्राइस कैलकुलेट करेंगे वो इशू प्राइस जिस प्राइस पे हमने उसे परचेज किया था उससे हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है उसकी रिकवरी भी करनी होती है, जो माल हमारा ख़राब हो गया है वो। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट वही है जो अभी तक हम करते आए हैं।
तो इलस्ट्रेशन है इसकी, इलस्ट्रेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, by adopting FIFO method, first in first out। इसमें FIFO या LIFO कोई भी यूज कर सकते हैं, बस प्राइस हम इन्फ्लेटेड प्राइस कैलकुलेट करके निकालेंगे। FIFO method, assuming normal शॉर्टेज, अब यहाँ वेस्टेज को शॉर्टेज लिखा है, नॉर्मल शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% ऑफ 100 यूनिट्स, यानी 10% ऑफ 100 यूनिट्स, यानी कि जितने भी यूनिट्स आप परचेज करते रहोगे उसका 10%। अगर 200 हुआ तो 200 का 10% 20, 300 हुआ तो 300 का 10% 30, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 10% माल जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमें ये एज्यूम करके चलना है और इसको FIFO मेथड से सॉल्व करना है। इन्फॉर्मेशन है क्या, 1 जुलाई को परचेज किए 200 यूनिट्स, एट द रेट रुपीज 25 पर यूनिट, ठीक। नेक्स्ट डेट है 9 जुलाई, इशूड किए 100 यूनिट्स, उसके बाद 12 जुलाई परचेज 100 यूनिट्स, एट द रेट रुपीज 30 पर यूनिट, फिर 18 जुलाई परचेज 700 यूनिट्स, एट द रेट रुपीज 20 पर यूनिट, और 25th जुलाई इशूड 200 यूनिट्स, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, जो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है उसमें सिर्फ हम प्राइस इन्फ्लेटेड निकालते हैं, यानी कि प्राइस को आप रिवाइज करके कैलकुलेट करते हो, और मेथड जो है FIFO, LIFO या HIFO में से कोई भी हो सकता है, FIFO भी हो सकता है, FIFO या LIFO में से कोई हो सकता है, HIFO होगा नहीं, HIFO या बेस स्टॉक नहीं होगा। इसमें आप FIFO या LIFO किसी से भी सॉल्व कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम में गिवन हो, लेकिन प्राइस जो है हम उसको रिवाइज करके कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं, मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ माल हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, इसे सॉल्व तो FIFO से करेंगे, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि 10% माल जो है ख़राब हो जाएगा। तो 100 का 10% 10 यूनिट्स, 200 का 10% 20 यूनिट्स, 700 का 10 फिर 100 का 10% 10 यूनिट, 700 का 10% 70 यूनिट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना, इसको मैं साफ कर देता हूँ।
जो इसका फॉर्मेट तो वही है जो अभी तक हम बनाते आए। लिखिए स्टोर लेजर अकाउंट इन्फ्लेटेड प्राइसिंग मेथड। ठीक, अब वही फॉर्मेट जो हम ड्रॉ करते थे। पहला कॉलम डेट का, फिर तीन सेमी कॉलम, रिसीव्ड या परचेज, इशूड या सेल और बैलेंस। फिर तीन कॉलम क्वांटिटी यूनिट्स में, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या डेट दी हुई है? सबसे पहले डेट दी हुई फर्स्ट जुलाई, जुलाई फर्स्ट। क्या किया है? परचेज किए हैं 200 यूनिट्स। किस रेट से? ₹25 पर यूनिट के रेट से। कितना हो गया? 5000। इस डेट में हमने इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दीजिए। अब बैलेंस देखिए कैसे लिखेंगे। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि 10% माल जो है ख़राब हो जाएगा। तो 200 हमने परचेज किया, 200 का 10% कितना हो गया? 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स तो आप दिखा दो, ये जो 20 यूनिट्स है ये तो आपका हो गया वेस्टेज, वेस्ट। ठीक, आगे अब बचा कितना? 200 में से 20 तो ख़राब हो गया, तो कितना बचा? 180। अब 200 यूनिट खरीदे थे 5000 के, लेकिन अब उसमें से बचे कितने हमारे पास? 180। अब ये जो 5000 की रिकवरी है, पहले तो 200 में से हो सकती थी क्योंकि 200 हमने परचेज किए थे, लेकिन 200 तो 200 में से 20 यूनिट तो ख़राब हो गए। अब बचे कितने? 180। तो इस 5000 की रिकवरी कितने से होगी? 180 से। एक यूनिट कितने का ख़रीदा था? 25 का, लेकिन अब रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूएशन करोगे तो क्या होगी? 5000 अपॉन 180, क्योंकि अब इस 5000 की रिकवरी किससे होगी? 180 यूनिट से। तो 5000 डिवाइडेड बाई 180 करोगे तो ये आएगा ₹27.28 या 78 पैसे, ₹27.78। यानी कि अब जो माल इशू होगा, ये माल जो ₹25 पर यूनिट से ख़रीदा था, अब वो इशू होगा ₹27.78 पर यूनिट के रेट से। क्लियर? अब आगे है डेट, नेक्स्ट डेट है 9 जुलाई। क्या कह रहे हैं? इशू 100 यूनिट। तो परचेज कुछ नहीं किया, खाली छोड़ दो। हमारे पास कितना बैलेंस है? 180। ये 20 कंसीडर, ये तो ख़राब हो गया, इसे छोड़ दो। 180 में से 100 यूनिट इशू कर दो। किस रेट का? 27.78 के रेट से। कितना हो जाएगा? 2778। बचा कितना? 180 में से 100 इशू हो गया 80 यूनिट। किस रेट का? यही 27.78 के रेट का। कितना पैसा बचा? 2222 ये पैसा, इतना बैलेंस बचा। फिर नेक्स्ट क्या है? 12 जुलाई, परचेज किए 100 यूनिट्स। किस रेट से? ₹30 पर यूनिट के रेट से। कितना हो गया? 3000। इस डेट में इशू कुछ नहीं किया तो इसे खाली छोड़ दो। अब
बैलेंस में कितना लिखोगे, 100 यूनिट परचेज किए, 100 तो बैलेंस में लिखोगे नहीं, क्योंकि हम एज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि 10% खराब हो जाएगा। तो 100 का 10% कितना आया, 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स तो आप लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में वेस्ट, इसे तो भूल जाओ। अब 100 में से 10 चला गया तो अब हमारे पास बचा कितना, 90 यूनिट्स बचे, ठीक। कितने के, 3000 के, क्योंकि हमें ये 100 यूनिट 3000 में ख़रीदे थे, 100 में से 10 खराब हो गए, तो अब 3000 की रिकवरी किससे होगी, है 90 यूनिट से। तो अब 3000 को 90 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3000 को 90 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 33 रुपीज़ एंड 33 पैसे, ठीक है। ये यानी कि अब इस 100 यूनिट्स में से जो कि 30 रुपए के रेट से हमने परचेज किया था, उससे जब आप इशू करोगे तो आप 33 रुपीज़ 33 पैसे से करोगे। अब आपके पास दो बैलेंस हैं, एक बैलेंस ये 80 वाला है और एक बैलेंस ये 90 वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, जुलाई 18 को फिर से 700 यूनिट परचेज किए, किस रेट से, ₹20 पर यूनिट के रेट से, तो ये कितना हो जाएगा, 14,000। इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दो। अब सेम इसमें भी 700 परचेज किए, 700 का 10% हम मानेंगे कि वो ख़राब हो जाएगा, तो 700 का 10% कितना आया, 70। तो यहाँ बैलेंस से पहले 70 यूनिट्स लिखो, ये तो हो गया वेस्ट, ठीक, इसे तो भूल जाओ। अब 700 में से 70 तो वेस्ट हो गया, तो कितना बचा, 630। यानी कि 700 हमने परचेज किए थे 14,000 में 20 रुपये के रेट से, लेकिन उस 700 में बचा कितना, 630। यानी कि इस 14,000 की रिकवरी जो है वो 630 में से होगी, ठीक। अब रेट निकाल लो, 14,000 को 630 से डिवाइड कर दो तो ये रेट आएगा 22.22 पर यूनिट, ठीक। अब आपके पास तीन बैलेंस हो गए, 80 यूनिट का 27 रुपये 78 पैसे से, 90 यूनिट का 33 रुपये 33 पैसे से, और 630 यूनिट का 22 रुपये 22 पैसे का, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है जुलाई 25 को कह रहे हैं 200 यूनिट इशू कर रहे हैं, यानी परचेज कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो। कौन सा मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमें कितने यूनिट इशू करने हैं, 200, तो सबसे पहली लॉट ये है, तो 80 यूनिट ये इशू कर दो, किस रेट से, 27.78 के रेट से, यानी 2222। अब 200 यूनिट में से 80 तो इशू होगा, अभी 120 और इशू करने हैं, 90 ये इशू कर दो, ये लॉट ख़त्म हो गई, इसके बाद क्या, कौन सी लॉट है ये, तो 90 यूनिट हमने इशू कर दी, ये 33 रुपीज़ 33 पैसे के रेट वाला, यानी कि 3000। अब कितना माल इशू हो गया, 80 यूनिट ये हो गए, 90 यूनिट ये हो गए, यानी कि ये 170 यूनिट इशू हो गए, अभी 30 यूनिट और इशू करने हैं, अब तो अभी ये भी लॉट भी ख़त्म हो गई, 30 यूनिट इतने से इशू कर दो, किस रेट का, 22 रुपीज़ 22 पैसे, ये कितना आएगा, ये आएगा 666 रुपये 66 पैसे, ये हो गए इशू, ठीक। अब बैलेंस कितना बचा, ये नील हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इस 630 में से कितना इशू हो गया, 30, कितना बचा, 600, किस रेट का, 22.22 पैसे, तो ये कितना बचा, 13,332, ये बैलेंस बचा लास्ट में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ₹600 एट द रेट ₹22.22 पर यूनिट, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे करते हैं हम इन्फ्लेटेड प्राइसिंग मेथड में, कि हम ये मान लेते हैं कि कोई एक सर्टेन क्वांटिटी जो है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल विल बी गॉन वेस्ट, कि कुछ ना कुछ वो ख़राब हो जाएगा,
और फिर जितना ख़राब हो गया उसको छोड़ दीजिए, जितना बचा है उसी से हमें रिकवरी करनी होती है, उस लॉस की रिकवरी हमें करनी होती है। जैसे 200 यूनिट खरीदे थे उसमें से 10% ख़राब हो गया, 20 यूनिट वेस्ट हो गए, तो हमारा कितना बचा 180। तो अब ये 20 यूनिट्स का जो लॉस है वो इसी में से तो रिकवरी होगी, यानी कि इसका रेट 25 रुपये था 200 यूनिट का, अब 180 यूनिट बचे, यानी कि हमें 5000 की रिकवरी करनी है। तो हम अगर रेट को 25 की जगह 27 रुपये 78 पैसे कर दें तो वो 5000 की रिकवरी हो जाएगी। अब ये 27 रुपये 78 पैसे कैसे आए, ये आए 5000 / 180, तो 27.78 आ गया। ठीक ऐसे ही फिर हमने 100 यूनिट परचेज़ किए, 100 यूनिट कितने रेट से किए, 30 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से 3000, 10 यूनिट ख़राब हो गए यानी कितने बचे 90, यानी अब 3000 की रिकवरी किससे होनी है 90 यूनिट से, तो ये 33.33 कैसे आया, 3000 को 90 से हमने डिवाइड कर दिया। वैसे ही हमने इस केस में 700 वाले केस में किया, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अब आपका जो है जो टॉपिक था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड वो कंप्लीट हो गया है, हमने सभी मेथड डिस्कस कर लिए, सभी की हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ली। नाउ आई विल गिव यू एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू सॉल्व, वो आपको सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल कि सभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कितना स्टॉक जो है मेंटेन करना चाहिए, व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ स्टॉक, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टॉक, व्हाट इज़ द एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक, व्हाट इज़ द डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक, ये हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ गो थ्रू द लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।